और आपको बताएं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने फतवा दिया है कि कश्मीरियों के लिए अपनी जायदाद भारतीय हिंदुओं को फरोख्त करना शरण नाजायज है, जबकि हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी ने कश्मीरी अमलाक भारतीयों को ना बेचने का पैगाम दिया। पाकिस्तान के मुमताज आलम दीन और रोयत हिलाल कमेटी चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने फतवा दिया है कि कश्मीरियों के लिए अपनी जायदाद भारतीय हिंदुओं को फरोख्त करना शरण नाजायज है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने वाजे किया कि शरीयत के मुताबिक कश्मीरियों के लिए ये जायज नहीं कि वो अपनी जायदादों को चंद पैसों के एवज हिंदुओं के हाथ फरोख्त करें या उन्हें किराए पर दें। दूसरी जानब हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने कहा है कि भारत की जानब से कश्मीर के डोमिसाइल में तब्दीली हिंदुओं को कश्मीर में बसाने की साजिश का हिस्सा है, लेकिन मोदी सरकार कान खोल कर सुन ले कि कश्मीर की जमीन सिर्फ कश्मीरियों की है और एक भी कश्मीरी अपनी जायदाद किसी हिंदू को फरोख्त नहीं करेगा।